हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन मूवी माय लव माय ब्राइड ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी एक कपल की है जिनके बीच में प्यार तो है और दोनों शादी भी करते हैं, पर शादी के बाद उनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यहाँ तक कि उनकी शादी टूटने की कगार पर भी आ जाती है। पर उसे भी वो कैसे अपनी समस्या सॉल्व करते हैं, इसे डायरेक्टर ने बहुत ही कॉमेडी के साथ दिखाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं मिन से, जो अपने दोस्तों को बताता है कि वो आज अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा है। पर उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि भाई शादी मत कर, शादी करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो कोई उसे इनकरेज करता है तो कोई उसे सोच समझकर फैसला लेने को बोलता है, जिसके बाद मिन अपनी गर्लफ्रेंड मी योंग से मिलता है। पर इससे पहले कि वो उसे प्रपोज कर पाता, वो दोनों वहीं लड़ने लगते हैं। मी योंग को लगता है कि वो लोग बस 4 सालों से डेट ही कर रहे हैं, मिन ने उनके रिश्तों को आगे नहीं बढ़ाया है, तो शायद से वो उसे ब्रेकअप करना चाहता है। जिस पे मिन बोलता है कि ऐसा नहीं है रे, और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। शादी के बाद दोनों की मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चलती है। मिन एक सिविल सर्वेंट है जो शहर के कम्युनिटी सर्विस सेंटर में काम करता है, वही मी योंग के आर्ट्स टीचर है। दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, पर फिर भी एक दूसरे को टाइम देते हैं। उनकी एक लैंड लेडी है जो मिडिल एज्ड है पर अभी भी सिंगल है, जो अक्सर दोनों को खुशी खुशी देखकर उन्हें टोकाटाकी करती है। एक दिन मिन अपनी एक पुरानी फ्रेंड सेंग ही से मिलता है, जो एक सॉन्ग राइटर है और आज ही न्यूयॉर्क से कोरिया वापस आई है। मिन उसके काम को देखकर बहुत खुश होता है, जिसने अपने पैशन पे मेहनत की और आज एक अच्छी लाइफ जी रही है। वहीं उसे भी पोयम लिखने का शौक है, पर वो अपने उस पैशन को छोड़कर आज एक सिविल सर्वेंट है। पर ऐसा नहीं है कि उसे लाइफ में कुछ रिग्रेट है, वो आज मी योंग के साथ बहुत खुश है। और इसी चीज को साबित करने के लिए वो सेंग ही के साथ अपने बाकी फ्रेंड्स को भी लेट नाइट अपने घर पे डिनर के लिए इन्वाइट करता है और मी योंग से उन लोगों के लिए कुछ अच्छा बनाने को बोलता है। लेकिन ये बात जब लैंड लेडी को पता चलती है तो वो मी योंग को भड़काती है कि उसका पति तो बड़ा ही जालिम है, जो देर रात अपने फ्रेंड्स को घर पे बुला रहा है और उसे खाना बनवा रहा है। जिसका असर ये होता है कि मी योंग खाना तो बनाती है पर जी भर कर मिन और उसके दोस्तों को कोसती है, जो उसके पूरे घर का कचरा बनाने में लगे थे। और मिन नोटिस करता है कि वो बहुत ही गुस्से में है, तो उससे जाकर माफी मांगता है। और जब उसके दोस्त वापस जाने लगते हैं तो बोलते हैं कि अगर मी योंग ने उसे आज घर से बाहर निकाल दिया तो वो उसके घर आ सकते हैं, उसके लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और इधर मिन भी डरा होता है कि कहीं मी योंग उसे खा ही ना जाए, तो चुपचाप से किचन में पड़े सारे बर्तन खुद ही धुल देता है। और जब मी योंग ये देखती है तो गुस्सा होने की जगह खुश होती है कि चलो पति देव को इतनी तो समझ है, और साथ मिलकर पूरे घर की सफाई करती है। उसके बाद से मिन अपने पैशन को फॉलो करता है, वो पोयम लिखना शुरू करता है, जिसके चलते वो इतना बिजी हो जाता है कि घर के कामों में वो मी योंग की हेल्प ही नहीं कर पाता, उल्टा घर को और गंदा करता रहता है। एक दिन दोनों बहुत दिनों बाद मूवी डेट पे जाते हैं, जहां मी योंग अपने एक कलीग से मिलती है जो टॉल यंग एंड हैंडसम है। और दोनों को साथ में हंसते हंसते बातें करते देखकर मिन अलग जेलस हो रहा था और खुद में ही चीज़ें इमेजिन करने लगता है कि दोनों उसके बारे में ही बात करके उसका मजाक उड़ा रहे होंगे। और ये सोच सोच कर अपना मूड खराब कर लेता है और साथ ही पूरी डेट भी बर्बाद कर लेता है। आई एम टेलिंग यू, ये शक बहुत ही बुरी चीज़ है। जिसके बाद दोनों घर चले आते हैं, पर मिन अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने चला जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि उसकी वाइफ उसकी आंखों के सामने ही दूसरे इंसान के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। वहीं उसके साथ तो वो रोज़ लड़ाई करती है, इवन उसे उसका पोयम लिखना भी नहीं पसंद। जिस पे उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि भाई भाभी बस बात ही तो कर रही थी, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। और रही बात लड़ाई की, तो उसकी शादी का हनीमून फेज अब खत्म हो चुका है, तो अब ये उसकी रोज़ की कहानी होगी, तो अच्छा होगा कि वो अपनी वाइफ की बातों को इग्नोर करे। हियर आई कैन से मैन विल बी मैन। वही मी योंग घर पे होती है और वो भी फ़ोन से अपनी फ्रेंड जुंग को सारी बात बताती है कि वो और मिन डेट से बिना कुछ खाए पिए वापस चले आए, पर वो घर ना आकर अपने दोस्तों के पास चला गया, वो भी ड्रिंक करने। उसे तो आजकल समझ ही नहीं आता, ऊपर से एक नया नया शौक और पाल लिया है, कविता लिखने का। जिस पे उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि शादी के बाद सभी पतियों का यही हाल है, वो बस रिसीविंग एंड पे रहना चाहते हैं। पर फिर भी उसे अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करके उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहिए और उसकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, जो बात मी योंग भी समझती है। और जब मिन को आने में देर होती है तो वो बाहर उसका वेट करती है, जो देखकर मिन को भी अच्छा लगता है। मतलब दिन भर चाहे दोनों कितना भी लड़ाई झगड़ा कर ले, पर एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक दूसरे को माफ़ कर ही देते हैं।
पर ये लाइफ है जिसमें हर दिन बुरा नहीं तो हर दिन अच्छा भी नहीं होता। टाइम के साथ साथ मिन ये नोटिस करता है कि अब वो दूसरी लड़कियों से अट्रैक्ट होने लगा है, जो वो जानता है कि एज अ मैरिड मैन अच्छी बात नहीं है, और इसे फ्रस्ट्रेट भी होता है। जिसके बाद अगेन वो अपने दोस्तों से कंसल्ट करता है, जो अगेन उसे ज्ञान देते हैं कि शादीशुदा आदमियों में ये आम बात है, तो वो ज़्यादा लोड ना ले। एंड आई वॉज लाइक, ये सब क्या देखना सुनना पड़ रहा है मुझे, ऐसा भी होता है क्या? वही मिन इन सब के चलते काफ़ी गिल्ट में होता है, पर वो चाह कर भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। एक दिन मी योंग अपनी माँ से मिलने जाती है तो मिन सेयुंग ही से मिलता है, पर वो उससे भी खुद को अट्रैक्ट होते फील करता है। जिसके बाद अगले सीन में उसे सेयुंग ही के साथ उसके यानी सेयुंग ही के घर पे देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि दोनों के बीच में कुछ होता, मिन के मुँह से मी योंग का नाम निकल जाता है, जो सुनकर सेयुंग ही उसे रोक देती है और कुछ होते होते रह जाता है। लेकिन मिन इन सबसे गिल्टी फील करता है, और जब घर वापस आता है तो उसे उसकी लैंड लेडी देख लेती है, जो अगले दिन जब मी योंग घर वापस आती है तो उसे बताती है कि रात मिन काफ़ी लेट घर वापस आया था। पर जब वो घर में आती है तो मिन उसे बताता है कि कल उसके पास ज़्यादा काम नहीं था तो वो जल्दी ही घर आ गया था, जो सुनकर मी योंग को डाउट होने लगता है कि मिन उससे कुछ तो छुपा रहा है, पर फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलती। एक दिन वो अपनी एक पुरानी कॉलेज फ्रेंड से मिलती है, जो उसे उसके कॉलेज की ही एक लड़के चोई के बारे में बताती है, जो थिएटर में काम करता है और अब एक फेमस एक्टर और प्रोड्यूसर है, और इसी शहर में वो अपना एक शो करने वाला है। चोई कभी मी योंग का कॉलेज में फर्स्ट लव हुआ करता था, पर दोनों कभी सीरियस रिलेशन में नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी इतने सालों बाद मी योंग उसे एक बार फिर से देखना चाहती थी। तो एक दिन वो अच्छे से रेडी होकर उसका शो देखने जाती है और मिन के लिए घर में एक नोट छोड़कर जाती है, और जब ये बात उसे पता चलती है तो वो जेलस होता है, क्योंकि उसे चोई के और मी योंग के बारे में सब कुछ पता था। वहीं मी योंग और चोई शो खत्म होने के बाद आपस में बातें कर रहे थे। मी योंग उससे कॉलेज टाइम की बातें करती है कि कैसे वो चोरी छुपे कॉलेज रेडियो में उसके लिए गाने सजेस्ट करवाता था, उसकी नोज ब्लीड होने पर उसकी केयर करता था, पर चोई को ये सारी बातें कुछ खास याद नहीं होती। जिसके बाद मी योंग अपनी फ्रेंड जुंग से मिलती है, जिससे वो अपनी हर बात शेयर करती है। उसे वो बताती है कि आज वो चोई से मिलने गई थी, और अपने और मिन के रिश्तों के बारे में भी बताती है कि आजकल दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। उसे लगता है कि वो मिन के लाइफ में अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ उसे पता चलता है कि अब तक कॉलेज में जो चीज़ें वो समझती थी कि चोई उसके लिए कर रहा है, जैसे रेडियो पे गाने सजेस्ट करना, नोज ब्लीडिंग के टाइम उसका ख्याल रखना, वो दरअसल मिन उसके लिए किया करता था। जुंग उसे बताती है कि मिन उससे इतना प्यार करता था कि कई बार वो भी उसे जेलस होती थी। और तब मी योंग को रियलाइज़ होता है कि आज तक वो कितनी गलत थी। उसे लगता था कि ये सब कुछ चोई उसके लिए किया करता था और उसे अपना फर्स्ट लव समझ बैठी, जबकि वो मिन था। लेकिन जब वो घर आती है तो फिर से दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। दरअसल मिन ने उसे कई बार कॉल किया था उसे कुछ पूछने के लिए, पर मी योंग ने रिसीव नहीं किया। ऊपर से वो लेट ड्रिंक करके घर आई थी, तो उसे लगता है कि वो चोई के साथ ड्रिंक कर रही थी और उससे ढेरों सवाल पूछता है। यहाँ दोनों के बीच में अपनी अपनी प्राइवेसी को लेकर लड़ाई होने लगती है, तो मी योंग भी निकालती है अपना बड़ा वाला हथियार और पूछती है कि जिस रात वो अपनी माँ से मिलने गई थी, उस रात वो किससे मिला था, क्योंकि लैंड लेडी ने उसे बताया था कि वो काफ़ी लेट घर वापस आया था। जिस पे मिन बोलता है कि लैंड लेडी को कोई और काम धाम नहीं, वो बस दूसरों के घर में ताका झाकी करती है, और बोलता है कि वो भी तो उसके सामने दूसरे आदमियों से हंस हंसकर बातें करती है। जिस पे मी योंग बोलती है कि वो उसका कलीग था, प्लस वो उसे काफ़ी छोटा है, यानी उसके लिए बच्चा है। एंड मिन वॉज लाइक, 6 फुट का बच्चा पहली बार देखा है। दोनों की लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि मी योंग बोलती है कि अब उसे लगता है कि वो उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सेल्फिश हो चुका है, उसे बस उसकी याद तभी आती है जब उसे कोई काम हो। वो ये भी नहीं सोचता कि वो किस हाल में है, वो क्या फेस कर रही है, उसके पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। और दोनों हर छोटी छोटी चीज़ पर आजकल लड़ाई करते हैं, और ये बात मिन भी रियलाइज़ करता है और इसके लिए उससे माफ़ी भी मांगता है। नेक्स्ट सीन में वो थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर जाता है, जहां उसे लैंड लेडी मिल जाती है, जिसने दोनों को लड़ाई करते सुना था, तो मिन से पूछती है कि क्या उसका कोई अफेयर चल रहा है, जिस पे मिन तुरंत से मना करता है और बोलता है कि वो मजाक में भी ये बात मी योंग से ना करे, वरना वो उसे कच्चा चबा जाएगी। तो लैंड लेडी बोलती है कि हाँ हाँ, वैसे भी उसे दूसरों के घरों में ताका झाकी करने का कोई शौक नहीं है, देखो तो ज़रा इसे। मिन उससे पूछता है कि क्या लड़कियां अपने फर्स्ट लव को नहीं भूलती, जिस पे लैंड लेडी उसे बताती है कि लड़कियों के लिए कोई फर्स्ट लव या सेकंड लव नहीं होता, वो जब जिसके साथ होती हैं उसकी मेमोरीज और उनका साथ ही उनके लिए उनका लव होता है। जिसके बाद मिन मी योंग के पास आता है और उससे चोई और उसके लव के बारे में पूछता है, ताकि अपने पोएम के लिए इंस्पिरेशन ले सके। जिस पे वो उसे बताती है कि दोनों के बीच में कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं था, वो बस एक अट्रैक्शन था, और फिर वो उससे मिली और उसे डेट करने लग गई। हालांकि उसके बाद चोई फिर से उसके साथ सब कुछ रीस्टार्ट करना चाहता था, पर तब तक वो उससे यानी मिन
मिन से प्यार करने लगी थी और अब बस वही उसकी लाइफ में है, जो सुनकर मिन बहुत खुश होता है। एक दिन मिन कम्युनिटी सर्विस सेंटर की तरफ से एक दादाजी के घर आता है उनकी हेल्प करने के लिए। वो अक्सर ही उनसे मिलता रहता है। वो उनके घर में उसके फेवरेट पोएट की कई बुक्स देखता है जो सारी फर्स्ट एडिशन थी, और उस दिन उसे पता चलता है कि वो दादाजी ही उसके फेवरेट पोएट हैं जो दूसरे पेन नेम से पोएम्स लिखा करते थे। उसके बाद से मिन उन्हें अपनी लिखी पोएम्स भी दिखाता है, उनसे हेल्प लेता है और उन्हें भी मिन के लिखे पोएम्स अच्छे लगते हैं और वो उसे नेशनल लिटरेचर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का सजेस्ट करते हैं। एक दिन मिन और मी योंग बीच पे घूमने आते हैं जहाँ दोनों पागलों सा इंजॉय करते हैं। दोनों धीरे धीरे अपने रिलेशन को सुधार रहे थे। अब वो हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा भी नहीं करते बल्कि एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मिन को पता चलता है कि उसे बेस्ट यंग पोएट का अवार्ड मिल रहा है, जिसके लिए मी योंग भी खुश होती है, पर वो उसके साथ अवार्ड फंक्शन में नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। वो एक पोएट की वाइफ है पर उसे पोएट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिस पे मिन बोलता है कि वो ज़्यादा ना सोचे और उसे सपोर्ट करने के लिए उसके साथ चले। नेक्स्ट सीन में दोनों अवार्ड फंक्शन में आते हैं जहाँ सेयोंग ही भी थी, और जब मी योंग उसे मिन के क्लोज देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो बाहर आकर मिन की पोएम पढ़ने लगती है जो उसने दोनों के मैरिड लाइफ पे ही लिखी थी, जिसमें मिन ने उसे कुछ खास अच्छा डिस्क्राइब नहीं किया था। और तभी उसके पास सेयोंग ही आती है जो उसे बोलती है कि वो मिन के राइटिंग का बुरा ना लगाए, ये एक आर्टिस्ट के एक्सप्रेशंस हैं। मिन लकी है जो उसे उसके जैसी यानी मी योंग जैसी पार्टनर मिली जो उसकी वाइफ के साथ साथ उसके पोएम की सब्जेक्ट भी है, जो बात मी योंग को अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चली जाती है। एक दिन मिन को पता चलता है कि उसके फेवरेट पोएट यानी दादाजी की डेथ हो गई है, जिस चीज़ से वो बहुत हर्ट होता है क्योंकि वो उनसे अटैच हो चुका था, पर दादाजी अपने लास्ट टाइम में इतने अकेले हो चुके थे कि उनके पास फैमिली ही नहीं थी जिनको उनके डेथ के बारे में बताया जा सके। इन सब से मिन बहुत डिप्रेस होता है और वो उनकी कुछ बुक्स अपने घर ले आता है और खुद को काम में बिजी कर लेता है। वो अपना पूरा समय बस पोएम लिखने में देता है ताकि नेशनल लिटरेचर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सके, और इस बीच में वो मी योंग पे कोई ध्यान ही नहीं देता जो उसे हर बार बोलती है कि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है, तो वो उसे किसी डॉक्टर के पास ले चले। उसी रात मिन देखता है कि मी योंग ने वो बुक्स जो वो दादाजी के घर से लेकर आया था उसे बाहर फेंक दिया है। हालांकि उसने फेंका नहीं था, बस मिस हैंडल किया था, लेकिन इस चीज को लेकर वो मी योंग पे बहुत गुस्सा होता है। वही मी योंग के पेट में इतना दर्द हो रहा था कि वो कुछ बोल पाने के कंडीशन में ही नहीं थी, पर मिन था कि उसका पूरा ध्यान उन बुक्स पे था। तो मी योंग किसी तरह अपनी मॉम को कॉल करके अपनी कंडीशन के बारे में बताती है। नेक्स्ट सीन होता है हॉस्पिटल का जहाँ मिन को बताते हैं कि मी योंग को ऑपरेशन की ज़रूरत है। यहाँ मिन को रियलाइज़ होता है कि वो अपने आप में इतना बिजी हो गया कि उसने मी योंग पे ध्यान ही नहीं दिया, और जब वो मी योंग के पास आता है तो अब वो उसे कोई बात नहीं करना चाहती और बोलती है कि अब दोनों के रिलेशन में कुछ नहीं बचा, उसके पास उसके लिए ना तो टाइम है और ना ही वो उसके बारे में कुछ सोचता है, तो शायद से अब दोनों को अलग हो जाना चाहिए, और उसे अकेला छोड़ देने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में जब वो घर आता है तो मी योंग को मिस करता है। वो उन दोनों के साथ बिताए टाइम को याद करता है जब दोनों पहली बार मिले थे, जब उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। वो दादाजी की बात को भी याद करता है जो उसे अक्सर समझाते थे कि भले ही पोएम से वो प्यार करता हो, उसे पोएम लिखना अच्छा लगता हो, पर वो कभी भी पोएम के आगे अपनी प्रायोरिटीज़ को ना भूले। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली होनी चाहिए, वो कभी पोएम में इतना ना खो जाए कि अपनी फैमिली को ही भूल जाए, और ये बात वो उसे अपने एक्सपीरियंस से बताते थे। और मिन को भी ये एहसास होता है कि वो लाइफ में इतना बिजी हो गया कि सच में अपनी फैमिली को भूलने लगा। वहीं मी योंग को भी टीवी न्यूज़ से पता चलता है कि दादाजी की डेथ हो गई है, और वो जानती है कि मिन दादाजी से कितना अटैच था, और उसे भी लगता है कि उसने भी मिन को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, कभी दोनों ने बैठकर एक दूसरे के अंदर क्या चल रहा है इस बात को जानने की कोशिश नहीं की, वो बस उसे नाराज़ होने लग गई। नेक्स्ट सीन में मिन उससे मिलने आता है, दोनों एक दूसरे की गलतियाँ रियलाइज़ करते हैं और एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। कहानी फिर कुछ आगे आती है, अब दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी है और अब दोनों अपनी इस छोटी सी फैमिली में बहुत खुश है। लड़ाइयाँ उनमें आज भी होती हैं, पर वो ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि भले ही दोनों कितना भी लड़ाई झगड़ा कर ले, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी इंपॉर्टेंस दूसरों की लाइफ में कम हो जाएगी। ये मूवी ये दिखाती है कि मैरिड लाइफ हमेशा हैप्पी हैप्पी सिचुएशन हो ये ज़रूरी नहीं है, कभी उसमें लड़ाइयाँ भी होंगी, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी, पर बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए और ना ही इन लड़ाइयाँ और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते रिश्ता तोड़ना चाहिए। साथ ही हमें दोस्त और आसपास के लोग भी ऐसे रखने चाहिए जो हमें सही सलाह दे, ना कि बात बात पे लड़ाई करने और रिश्ता तोड़ने की सलाह दे।
टाइम के साथ साथ हर चीज़ पे धूल जम जाती है, तो टाइम टू टाइम उसे ब्रशअप करते रहना चाहिए, वरना आप रिश्ते भूल जाएंगे और बाद में अफसोस करेंगे कि काश उसे बचा लिया होता जो बचाया जा सकता था। खास करके कपल्स में किसी एक के झुकने या चुप रहने का मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि वो दब गया, और ना ही ये सोचना चाहिए कि मेरे चुप रहने या झुक जाने की वजह से सामने वाला बड़ा हो जाएगा। इक्वालिटी के साथ साथ भरोसा भी रखिए। जैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वॉर नहीं होता, ठीक वैसे ही हर मिसअंडरस्टैंडिंग का सॉल्यूशन डाइवोर्स भी नहीं होता। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायनारा।